गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। अब माइक नोट कर लो बच्चा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्लैंक थ्योरी। एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं प्लैंक का। तो प्लैंक बापा का कहना था जो एनर्जी होता है इक्वल होता है एच न्यू किसी भी क्वांटा का। अगर एक लाइट में दो क्वांटा है तो उसका डबल हो जाएगा, तीन क्वांटा है तो इसका ट्रिपल, फोर क्वांटा है तो उसका फोर, अगर वन है तो यही इक्वल होगा। और न्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। न्यू इक्वल टू किसके इक्वल होता है, न्यू सी बाई लेमडा। और वन बाई लेमडा इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार। ये था एनर्जी का रिलेशन, न्यू फ्रीक्वेंसी से स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा वेवलेंथ, न्यू बार वेव नंबर, और एच प्लैंक थ्योरी, सॉरी प्लैंक थ्योरी बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। ये सब था। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल सरफेस तो मेटल से सनलाइट पड़ेगा, सॉरी मेटल से बोलता हूँ, मेटल के ऊपर सनलाइट जब पड़ेगा मतलब सनलाइट का इंसिडेंट होगा तो मेटल के सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो सनलाइट के प्रेजेंस में या जब किसी मेटल पे सनलाइट पड़ेगा और सनलाइट से उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव। तो उस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन से लिया, फोटो मतलब सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ही कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब क्या, अगर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो वर्ड किसके लिए होता है, सनलाइट के लिए, किसके लिए होता है, सनलाइट। तो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस रिमूवल जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो रिमूवल इलेक्ट्रॉन है, इस रिमूवल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा किसी का माइक कौन है, नाम देने से अच्छा तुरंत बंद कर लो। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से, मेटल के सरफेस से, क्यों, क्योंकि सनलाइट पड़ रहा है। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे कोई बता सकता फोर्थ बेंच में से स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्यों हुआ यहाँ पे, बोर्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मिली। बोर्ड थ्योरी क्या कहता है भाई, प्रीवियस लेक्चर, बस 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 अब बस माइक म्यूट कर लो। बोर्ड थ्योरी में पिछले क्लास में पढ़ चुके, ये लो एनर्जी है, ऐसी जाते जाओगे एनर्जी बढ़ते जाता है एटम का। और एक आता है एन इक्वल टू इनफिनाइट, मतलब वो एटम से बहुत दूर चल गया है,
एटम के न्यूक्लियस से बहुत दूर, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह पे है तो इसको कहीं से एनर्जी मिलेगा, ये एनर्जी कहीं वाला भी सन का है, तो इस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्साइट, और कहां चल जाएगा भाई, लो एनर्जी लेवल से बहुत ही हाई एनर्जी लेवल, जिसको मैं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस लो एनर्जी ऑर्बिटल से कहाँ चल जाता है, ऑर्बिट से हाई एनर्जी, और वो हाई एनर्जी कौन सा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब एटम से हो चुका है बाहर। तो ये थ्रेशोल्ड, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनर्जी रहता है इलेक्ट्रॉन का, तभी उससे रिमूव होता, बताएंगे वो कौन सा। तो बस अभी फिलहाल इतना रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, माइक म्यूट बच्चा, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। हम बार बार बोल रहे बच्चा माइक म्यूट कर लो, नाम लेके बोलने से हमें अच्छा नहीं लगता। तो द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस कब, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के लिए फोटो बड़ी होता है, याद रखना। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड रिमूवल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिमूवल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड या इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। तो नोट कर लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है जल्दी से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। अब हमेशा ऐसा थोड़ी कि मेटल पे सनलाइट पड़ा और मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता जाएगा एटम डिस्ट्रॉय होता जाएगा। भाई देख लो कैसे, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है 11, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 1, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 2, 8 हो जाएगा, वैसे पूरे 11 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सोडियम पे से इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, मतलब एटम ही नहीं बचा वो ठीक से। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा तो एटम का साइज होता जाता है छोटा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एटम का साइज क्या होगा, छोटा होने लगेगा। तो भैया एक समय ऐसा आएगा कि एटम खत्म हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हर मेटल पे सनलाइट पड़ा और एटम से इलेक्ट्रॉन निकला एटम का साइज छोटा हो गया, नहीं तो बाहर जो घर में तुम लोहा यूज करते हो बनाने में, घर बनाने में या विंडो पे लगाते हो तो उस पर सनलाइट कहीं ना कहीं तो पड़ता होगा, अगर ऐसा होता तो खिड़की से धीरे धीरे वो लोहा गायब हो जाता। हाँ कभी अचानक से गायब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सनलाइट के कारण हुआ, चोर चोरी करके ले गया समझ लेना, ठीक है ना। तो हर मेटल के साथ तो ऐसा नहीं होता कि सनलाइट पड़ा मेटल पे और वहां से वो मेटल गायब, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, ऐसा होता है क्या? नो सर, नहीं होता, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी है, उस एनर्जी से अगर कम एनर्जी मिला लाइट से, सनलाइट का एनर्जी जो आ रहा है जिस मेटल पे पड़ रहा है उस मेटल के इलेक्ट्रॉन का खुद का एनर्जी है, उससे कम मिला तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। एक वही कॉन्सेप्ट हुआ जैसे तुम अगर अपने घर पर रह के 10,000 कमा रहे हो, तुमको बाहर से कोई आके बोल रहा है, मतलब लाइट आ रहा है, मतलब एक तरह का सोर्स है जो तुमको बाहर से बोल रहा है कि भैया तुम घर पे 10 कमा रहे हो, घर के आसपास बाहर आ जाओ तो हमको 8,000 देंगे, तो तुम जाना पसंद करोगे? नो सर। बोलेगा 10 के जब तुम 10 के यहाँ कमा रहे हो तुमको 10 देंगे तो भी जाना पसंद करोगे क्या? नो सर। सोचो घर में कई लोग सोचेंगे घर में, अरे यार बहुत परेशान करते हैं, मम्मी काम करवा लेती है, रामू काका बना देती है सर, पर फैसिलिटी मिलेंगे तो जाएंगे सर। हाँ बता रहे तो वही तो मजबूर हो गए ना, अब बाहर 10 में ज्यादा फैसिलिटी मिल रहा तो सोचोगे जाना चाहिए, लेकिन अब बाहर एकदम फैसिलिटी कुछ नहीं मिल रहा है, 10 के जगह सीधा 10 गुना मिल रहा है, सोचो 10,000 सीधा 1,00,000,
तब जाएंगे जाएंगे सर। तब तो बोलोगे कब निकलना है बता दो बस, अभी आऊं क्या करके, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वैसा ही केस इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो भैया इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी से कम मिला। अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैं मान लेता हूँ ई नॉट, और सनलाइट का एनर्जी है ई, तो पहला केस क्या हो सकता है? ये ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से कम है। कई लोग भूल गए सर ये ई नॉट का, एक बार फिर से बताना। तो लो बेटा इलेक्ट्रॉन एनर्जी ई नॉट, अब सनलाइट एनर्जी है। सेकेंड केस क्या आ सकता है? दोनों इक्वल। और लास्ट एक केस बन सकता है क्या? सनलाइट का ज्यादा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसमें रिमूव हो जाएगा? सर वो आपने क्या लिखा है ई? सर वो क्या लिखे? हद हद है यार, मतलब लिख सर बेटा ई नॉट। हाँ बेटा देखो ना, बेटा देखो ना, देखो ये बोर्ड पे लिखा हुआ कितना अच्छा राइटिंग है। देखो तो E not equal to electron energy। आंखें धोखा दे रही तो कान पे तो ध्यान दो, कान पे तो भरोसा करो। E not equal to electron energy, ठीक है? E equal to sunlight energy। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ध्यान से सुनो बच्चा। तो तीन कैसे? ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो हाई है सनलाइट से, ये दोनों है सेम। एक लास्ट कंडीशन है ई नॉट जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी वो सनलाइट की एनर्जी से है कम। तो मुझे बताओ तीनों केस में किसमें इलेक्ट्रॉन निकलना पसंद करेगा? लास्ट केस, लास्ट वाले में, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के पास मान लो इलेक्ट्रॉन कमा रहा था 10,000, बाहर उसको मिल रहा है 8,000, तो इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा क्या? नो सर, नहीं। पहले इलेक्ट्रॉन को 10 मिल रहा था, बाहर भी 10 मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देखेगा सोचेगा समझेगा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं। फैसिलिटी मिलेगा तो जाएगा भाई। अब इलेक्ट्रॉन घर पे 10 कमा रहा है, बाहर से उसको ऑफर आ गया भैया तुमको 10 जगह पे उसका 10 times ज्यादा देंगे 10,000 का, तब क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन भागना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? पहले केस में नहीं जाएगा, दूसरे में सोचेगा जाना चाहिए कि नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। थर्ड केस में बाहर निकल जाएगा पहली फुर्सत। क्लियर है सभी को? तो यही कंडीशन कहलाता है कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, इलेक्ट्रॉन कब रिमूव होगा इसके लिए कंडीशन। नेक्स्ट सब हेडिंग है, नेक्स्ट सब हेडिंग है कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब बेटा क्लास के बीच में माइक मत ऑन किया करो, जब पूछना रहता है तभी, ठीक है ना? और ध्यान बिल्कुल दो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ध्यान भी नहीं दोगे तो भैया तो हो गया पूरा गुड़ गोबर बोलते ना वाला हिस्सा। और कई लोग अपने माइक का आवाज इतना बढ़ा के रखे हैं, पर इतना पास में रखे हैं किसी तक ऐसा लगता है एक कान से सुनो तो दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा आवाज। कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो केस वन, पहला केस जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है, अगर मान लेते हैं फिर से लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे हैं भैया फ्रेश डेफिनेशन अलग से नोट करा दूंगा, फ्रेश होल्ड एनर्जी रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको ए नॉट से। एनर्जी ऑफ सनलाइट और इंसिडेंट लाइट, चलो ठीक है सनलाइट ई। तो केस ई नॉट ग्रेटर देन ई, इस केस में क्या होगा भाई? नोट करो यहां तक, दूसरे पेज में चलते हैं फिर। तो जो हम लोग केस वन देख रहे थे ई नॉट
ग्रेटर देन ए, इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब आगे इसमें देखते हैं क्या होगा। तो ए नॉट ग्रेटर देन ए मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 10 जूल और बाहर से जो एनर्जी मेरा 8 जूल, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पसंद करेगा क्या? नो सर। तो इसलिए लिखूंगा द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ध्यान से सुन लेना भाई, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। The removal of electron does not take place या फिर does not occur, नोट का occur ज्यादा अच्छा लगता है, does not occur मतलब नहीं होगा। एंड इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है मतलब दौड़ नहीं रहा ना भाग रहा, तो ना दौड़ेगा ना भागेगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी कब मिलता है? जब कोई दौड़ेगा भागेगा वेलोसिटी में आएगा तब। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या? नहीं। तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन यूज मिनिमम, मिनिमम क्या? जीरो लिखो सीधा, जीरो। सेकंड केस क्या बनेगा बताओ? सनलाइट की एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। इक्वल वाला माइक्यूट कर लेना ए नॉट ए। अब बाबा नहीं लिखवाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी और ये सनलाइट एनर्जी। इस समय इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, सोचने पे मजबूर, मतलब इस केस में एन इलेक्ट्रॉन रेडी टू रिमूव, रेडी टू रिमूव बोलते हैं इसको, इस कंडीशन को रेडी टू रिमूव। कहीं ज्यादा अच्छा ऑफर मिला तो निकल जाएगा, खैर ये ऑफर मिलता नहीं है, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन रेडी टू रिमूव फ्रॉम मेटल सरफेस, रेडी टू रिमूव हुआ है मतलब रिमूव होने के लिए रेडी हो रहा है, बट जाना स्टार्ट नहीं किया है। तो इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एक लास्ट केस थ्री, ए नॉट का वैल्यू हो गया कम। तो इस समय इलेक्ट्रॉन को मिल रहा था कितना? 10 जूल और बाहर से मिल गया 100 जूल। तो इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा क्योंकि ज्यादा का ऑफर आ गया। तो द रिमूवल, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेक प्लेस and kinetic energy of electron is maximum, उस समय kinetic energy electron का क्या हो जाएगा? maximum। अब इस समय एक formula use होता है, इस समय एक formula use होता है भाई। sunlight का energy है E, सनलाइट का एनर्जी ई, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कुछ एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी में यूज होता है और कुछ काइनेटिक एनर्जी में। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो सनलाइट एनर्जी जो होगा ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्लैंक बाबा का यूज करना भाई, प्लैंक बाबा कहते थे इक्वल टू क्या होता है बाबा? प्लैंक कहते हैं इक्वल टू एच न्यू। तो ई नॉट इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू नॉट। सबका मीनिंग बता देंगे क्या है आपके। काइनेटिक एनर्जी बहुत बच्चों की बात से बताया गया था हाफ एम ई स्क्वायर, हमने नहीं बताया तो किसी ने बताया होगा। एक और फॉर्मूला बन सकता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है भाई? सी बाई लेमडा। हाफ सर एक बार वो बता देना ना, सबको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? वही बोले एक साथ सबको बता देंगे, सुनते काहे नहीं हो महाराज। वन बाई लेमडा इक्वल टू क्या होता है भाई? इसको वन बाई लेमडा लिख सकता है, तो वन बाई लेमडा मतलब न्यू बार एच सी, न्यू बार एच सी, न्यू बार हाफ
एमवी स्क्वायर। ये पूरे फॉर्मूले अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से यूज होंगे। एनर्जी दिया है ये दोनों दिया, ये पूछ लिया तो अलग। फ्रिक्वेंसी दिया है सनलाइट का, थ्रेशोल्ड एनर्जी का, तो वेलोसिटी पूछ सकता भाई। ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सबसे पहले ई टी नॉट न्यू न्यू नॉट लेमडा, ये लेमडा नॉट है, न्यू बार नॉट, वी वी के लिए जगह नहीं दिख रहा है चलो यहाँ पे, वी वेलोसिटी, एम स्पीड, ये कुछ फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले को याद रखना है, जैसा जरूरत क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले वैसा नोट कर लोगे। और ये फॉर्मूले पूरे बने हैं प्लैंक थ्योरी के हेल्प से। तो प्लैंक बाबा के याद रखोगे तो प्लैंक बाबा तुम्हारा कल्याण करेंगे भाई। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी एनर्जी ऑफ लाइट, कोई सा भी लाइट हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, एनर्जी ऑफ लाइट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो ई एनर्जी था, ए नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो अब ये दिख नहीं रहा तो समझ जाना कि ये भी फ्रीक्वेंसी है तो ये भी फ्रीक्वेंसी है। लेमडा मतलब वेवलेंथ, तो ये भी लेमडा है तो ये भी वेवलेंथ होगा, लेकिन कौन सा वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना, समझ जाना ये पूरा वेवलेंथ लिखा है, नहीं तो बोलना मत क्या लिख दिए, ठीक है। ये क्या है, वेव नंबर, तो न्यू नॉट वाला क्या होगा, न्यू बार नॉट वाला, नॉट वाला सब में थ्रेशोल्ड लगेगा, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड जो जीरो है या नॉट जो बोलना चाहते हो बोल लो, थ्रेशोल्ड वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर को क्या बोलते हैं, वेव नंबर को वेव नंबर ही बोलते हैं भैया, नहीं नहीं वो न्यू बार सिंबल है, न्यू बार, न्यू नॉट बार इक्वल टू वेव नंबर, तो वी वेलोसिटी, ई एनर्जी, ए नॉट थ्रेशोल्ड, न्यू फ्रीक्वेंसी, तो न्यू नॉट बी फ्रीक्वेंसी लेकिन थ्रेशोल्ड, उल्टा वाई जो दिखा उसको बोलते हैं लेमडा, तो लेमडा मतलब वेवलेंथ, तो लेमडा नॉट को भी वेवलेंथ बोलेंगे, न्यू बार वेव नंबर है तो न्यू बार नॉट या जीरो जो अच्छा लगता है नॉट ही बोलते हैं सब, इसलिए तुम भी बोल सकते हो न्यू नॉट, न्यू बार नॉट थ्रेशोल्ड वेव नंबर। तो नोट डाउन करो ये सब फॉर्मूला। केस तुम एक बार और नोट करना, जो न्यू E नॉट इक्वल टू E है, इसमें इलेक्ट्रॉन रेडी टू रिमूव हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन सोचने पे मजबूर है जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वर्क केस टू से स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए केस टू को बोला जाता है वर्क फंक्शन। केस टू को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन, मतलब इस समय इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहा है, मतलब ए नॉट इक्वल टू ई है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, और उसको डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेडी टू रिमूव है, मतलब रिमूव होने पे यहाँ से स्टार्ट होना है इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, वहां से एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, मतलब यहाँ से वर्क होना स्टार्ट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसलिए इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
तो कई बार क्वेश्चन में वर्क फंक्शन पूछता है, तो वर्क फंक्शन पूछता है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए नॉट। कई बार क्वेश्चन में वर्क फंक्शन पूछेगा तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वो कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स यूज करता है। वर्क फंक्शन मतलब ए नॉट कैलकुलेट करना है। ए नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में वर्क फंक्शन पूछा तो क्या कैलकुलेट करना है, ए नॉट। ए नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्लियर है सभी को? यस सर। सेकंड केस को वर्क फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो बच्चा लोग, नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ए नॉट। थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट, एएमटी मतलब अमाउंट ना, हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड for removal of an electron from metal surface is called फलाना। उस फलाने का नाम क्या है भाई, अब बता दो। Threshold energy। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज रिप्रेजेंटेड या फिर डिनोटेड बाय ई नॉट। नोट कर लो ये डेफिनेशन। तो ये था आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है सभी को? तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी है, अगर उससे कम मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। वो सब क्वेश्चन में दिया रहता है, वो सब क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। देखो बेटा, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दो चार मतलब स्टूडेंट ऐसे होंगे या ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है। जब भी इनके क्वेश्चन सॉल्व करे तो क्या करो, क्वेश्चन को बार बार रीड करो, और रीड करने के बाद क्या करना, वहां पे पहले डाटा देख लिया करो किस फॉर्म में दिया, सबका यूनिट एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे अगर एनर्जी किलो जूल में दिया है तो जूल में कन्वर्ट कर लो, लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर में देता नहीं, जनरली पिकोमीटर आएंगे, नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में दिया है, तो लेंथ का यूनिट मीटर में रखा करो। याद रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एनर्जी का यूनिट हमेशा किस में होना चाहिए, जूल में, लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर में, और टाइम का जो यूनिट है वो हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तब जाके इजिली सॉल्व हो जाएगा, यूनिट का दिक्कत नहीं होगा। तो कि ये जनरली किलो जूल में देगा, ठीक है ना, तो किलो जूल को जूल में चेंज करना चाहिए, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉन में, नैनोमीटर में या फिर माइक्रोमीटर में, इनमें दिया रहता है, तो इनको इन सभी में चेंज करने आना चाहिए। कल के क्लास में बताया था हमने, और सेकेंड वाला ज्यादा ज्यादा क्या देगा, घंटे में देगा, आवर्स में देगा, मिनट में देगा, या डे में तो देगा नहीं, ये देगा, तो इसमें सेकेंड में चेंज करने पर आता ही है। तो ये सब थोड़ा सा कॉमन सेंस है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले ही तुम यूनिट चेंज कर लो, किलो जूल दिया है, जैसे 2 किलो जूल दिया है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 2000 जूल, तो तुमको यूनिट का कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। अगर 10 एंगस्ट्रॉन दिया है तो बाद में यूनिट सॉल्व करने से अच्छा पहले यूनिट सॉल्व कर लो, 10 × 10⁻¹⁰ मीटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा फिर। क्लियर है? क्योंकि बीच फॉर्मूले में कई लोग का यूनिट चेंज करवाते हैं तो दिक्कत हो जाता है, तो पहले तुम यूनिट को पहले ही उसको सॉल्व कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है भाई? किसी को यहाँ तक तकलीफ, दुख दर्द, कोनो दिक्कत,
नो सर. अब आते हैं वापस हाइड्रोजन. हाँ ये एक पहले पूरा वैल्यू लिख लिया जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और यूनिट को अलग से सॉल्व किया तो भी चलेगा ना? हाँ वैसे भी चलेगा. यूनिट को अलग से सॉल्व करते हैं बस देखते हैं. अगर पहले यूनिट को सॉल्व कर लोगे तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाता है कि आपका आंसर किस में आ रहा है, ठीक है ना, और ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है. ओके सर. नेक्स्ट अब वापस हम लोग एटॉमिक मॉडल में बोर्स थ्योरी पे आते हैं जहां पे देखते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी. इस बोर्स थ्योरी का पोस्टुलेट भी इम्पोर्टेंट है, उसके फॉर्मूले, उसके एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी तो सबसे पहला एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन इसका बोल सकते हैं लिमिटेशन भी है. पहला एप्लीकेशन ये किसके लिए है, इट used for only hydrogen and hydrogen-like species. अब कई लोगों को दिक्कत है सर ये हाइड्रोजन तो सही था, ये हाइड्रोजन लाइक मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन लाइक तो बेटा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वन. तो जिसके पास भी वन इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा. तो अगर मैं हीलियम, लिथियम, बेरिलियम की बात करूं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? टू. लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर थ्री है तो थ्री. बेरिलियम के पास कितने है? फोर. तो मुझे और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वन. तो इसको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोल सकता हूँ क्या हीलियम को? नहीं बोलूंगा. लेकिन हीलियम पे एक प्लस चार्ज लगा दो तब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? वन. तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. लिथियम पे दो चार्ज लगा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. बेरिलियम पे अगर थ्री चार्ज लगा दिया तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहने का मतलब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. डेट मींस एग्जांपल क्या होगा? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. बेरिलियम पे थ्री चार्ज, लिथियम पे टू चार्ज, हीलियम पे वन चार्ज. इनको बोला जाता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. ठीक है, नोट डाउन कर. तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो. सेकंड पॉइंट है इट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. नोट डाउन कर लो जल्दी से सेकंड पॉइंट. डीपीपी को बनने वाले